नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेलवे नगर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे देवबंद रोड की रेलवे लाइन परियोजना के बारे में। और दोस्तों साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि इस रेलवे लाइन का अब तक कितना काम पूरा हो चुका है और ये रेलवे परियोजना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिहाज से महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों इस परियोजना को पूरा समझने के लिए पहले आपको देवबंद और रुड़की रेलवे स्टेशन की लोकेशन को भी जानना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो देवबंद रेलवे स्टेशन है वह उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में मौजूद है, जो कि मुख्य रूप से गाजियाबाद सहारनपुर वाया मेरठ मुजफ्फरनगर लाइन पर मौजूद है, जो कि दिल्ली डिवीजन के अंदर आता है। और दोस्तों जो रुड़की रेलवे स्टेशन है वह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में मौजूद है, जो कि मुख्य रूप से अम्बाला मुरादाबाद लाइन पर मौजूद है, जो कि मुरादाबाद रेलवे डिवीजन का पार्ट भी है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब इस रेलवे मैप में इन दोनों रेलवे स्टेशनों की लोकेशन को देख पा रहे होंगे। और अब मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों रेलवे स्टेशनों को जोड़ने से रेलवे को क्या फ़ायदा होने वाला है और जो आसपास की क्षेत्र की जनता है या फिर जो दूर दराज के लोग हरिद्वार देहरादून के साइड जाते हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे जो देवबंद से लाइन पास हो रही है ये है गाजियाबाद सहारनपुर लाइन, जो कि वाया मेरठ और मुजफ्फरनगर को आती है, जिस पर देवबंद रेलवे स्टेशन मौजूद है। और जो ये लाइन रुड़की से पास होकर जा रही है ये है अम्बाला मुरादाबाद लाइन। तो दोस्तों इन दोनों रेलवे स्टेशनों के जुड़ जाने से जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वो दिल्ली से जो हरिद्वार यात्री जाते हैं या दिल्ली से देहरादून जाते हैं या फिर इस साइड से हरिद्वार देहरादून जाते हैं उन यात्रियों को होने वाला था। क्योंकि अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि जो ट्रेनें दिल्ली से हरिद्वार या देहरादून की साइड को जाती है उनको या तो पहले सहारनपुर जाना पड़ता है, फिर लोकोमोटिव को रिवर्स करा जाता है, फिर उनको वापसी हरिद्वार या फिर देहरादून लेके जाया जाता है, या फिर एक विकल्प ये भी होता है कि पहले ट्रेनों को टपरी से वाया बाईपास हरिद्वार देहरादून के लिए मोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ में जो टाइम कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा लगता है। जो ट्रेनें सहारनपुर से रिवर्स होकर हरिद्वार की साइड जाती है उनको लगभग एक घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाता है, और जो ट्रेनें टपरी को जाती है उनको भी मैक्सिमम समय लग जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि पहले ट्रेन सीधी जा रही है फिर उसको वापस रिवर्स में आना पड़ रहा है। तो इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बन जाने से क्या होगा कि लगभग लगभग 30 से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा और लगभग 40 से एक घंटे का समय भी कम लगेगा, यानी कि 40 मिनट से एक घंटे तक का समय भी कम लगेगा। दोस्तों जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि ट्रेन को फिर घूमना नहीं पड़ेगा, ट्रेन देवबंद से डायरेक्ट रुड़की की साइड ही कट जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस परियोजना की पूरे डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये टोटल जो परियोजना है ये 27.45 किलोमीटर की है, जिसमें कि अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 691 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि 27.45 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन है इसमें 17 किलोमीटर का जो रेलवे का पार्ट है वो यूपी में होने वाला है और 11 किलोमीटर का उत्तराखंड के अंदर होने वाला है। और दोस्तों देवबंद से जो रुड़की के बीच में महत्वपूर्ण स्टेशन बनाए जाएंगे उनमें शामिल है रहीमपुर, चंदापुर, झबरेड़ा इत्यादि। और दोस्तों इस 27.45 किलोमीटर लंबे ट्रैक में 30 छोटी पुलिया और 4 बड़े पुल भी बनाए जाएंगे। और दोस्तों इस पूरे रेलवे ट्रैक के या फिर इन दोनों रेलवे स्टेशन के जुड़ जाने के बाद जो दिल्ली से रुड़की का डिस्टेंस है वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक घट जाएगा। और दोस्तों इसमें टाइम भी यात्रियों का बचा रहेगा और इसमें पैसों की भी बचत होगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस परियोजना को लगभग अब से 3 से 4 साल पहले ही हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण में दिक्कतें आ रही थी और भी कई सारी समस्याएँ हो रही थी जिसके कारण इस परियोजना में विलम्ब होता रहा। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस परियोजना को 2021 अर्धकुंभ से पहले ही पूरा होना था, लेकिन कई सारी समस्याओं के कारण अनफॉर्चुनेटली यह उस टाइम तक पूरी नहीं हो पाएगी। और जो अभी इसका अनुमान लगाया जा रहा है पूरे होने का इस परियोजना का, वो सन 2021 के अंत तक लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्रेजेंट की क्या इन्फॉर्मेशन है, इसका काम कितना पहुंचा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जमीन अधिग्रहण का पूरा काम हो चुका है, कई जगह पर पुल, छोटे पुल और अंडरपास भी बनाए जा चुके हैं और कई जगह पर पटड़ियां बिछाने का भी कार्य है लगभग
लगभग पूरा हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना देवबंद रुड़की रेलवे लाइन परियोजना के बारे में। अगर आपको मेरी जानकारी इस परियोजना के बारे में अच्छी लगी हो या फिर इस टॉपिक के बारे में आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन सभी को जय हिंद, जय भारत।